हे गाइस, ममता मिश्रा, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट का रिव्यू। अगर आपको पसंद है लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मेरे वीडियो में एंड तक बन रहे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, वो ये प्रोडक्ट है, केयर शाइन का गोल्ड ब्लीच। गाइज, ये बहुत अच्छा ब्लीच है, गोल्ड ब्लीच, और आपको 2 से 3 महीने में एक बार ब्लीच जरूर अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है धूप से, धूल से। उसमें एक बार फेशियल करवाइए, 6 महीने में 2 महीने में फेशियल करवाइए, ब्लीच आप 3 महीने में 1 बार ब्लीच लीजिए, और आपके फेस पे जो भी डस्ट है वो सारा निकल जाएगा, और आपका फेस अच्छा सा शाइन करने लगेगा, ग्लोइंग दिखने लगेगा, और एक टोन ये फेयर करता है आपका स्किन। आप लीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, केयर शाइन का गोल्ड ब्लीच। इसलिए मैं ब्लीच लाई हूँ, बहुत लोग ब्लीच नहीं शेयर करता है, पर मैं बहुत लोग सोचते हैं कि कौन सा ब्लीच लगाऊँ, तो अभी मैं गोल्ड ब्लीच लाई हूँ केयर शाइन का। और बहुत महंगा प्रोडक्ट भी मैं डालती हूँ, और बहुत लोग नहीं उसको खरीद सकते हैं, तो मैं इसको कम ही रेट में लाई हूँ। ये 60 रुपीज़ का है, और इसका नेट ग्राम है 35 ग्राम का है ये, और इसका सेल लाइफ लंबा है, ये 3 साल चलता है। आप इसको लीजिए, 2021 में मैं ली थी, 2024 या 2025 में एक्सपायर होगा ये। आप इसको लीजिए, 2 से 3 बार इसको यूज़ कीजिए अपने हैंड पे, अपने फेस पे। आपको अगर ग्लोइंग स्किन चाहिए और फेयर दिखना है, तो आप ये ब्लीच लीजिए और अपने फेस पे, अपने स्किन पे लगाइए, और फिर आप खुद ही देखेंगे कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आ रहा है। आपको गोल्ड ब्लीच या डायमंड ब्लीच कई तरीके का होता है। अगर आपका डिमांड होगा कि कौन सा ब्लीच अप्लाई करें, मेरा ऐसा फेस है, आप मुझे शेयर करेंगे, आप जो ब्लीच बोलेंगे मैं वो ब्लीच लेके आऊँगी, आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये ब्लीच लीजिए और अपने फेस पर लगाइए, फिर मुझे कमेंट कीजिए कैसा है ये ब्लीच। इसमें इसका जो इंग्रेडिएंट्स है सारे बहुत अच्छे हैं, आपके फेस को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा, सारा बहुत अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स इसमें मेन है, ग्लिसरीन भी इसमें डला हुआ है, और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डले हुए हैं। तो आप लीजिए और अप्लाई कीजिए, और इसका जो भी रिव्यू है वो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो गाइस, मैं दिखाती हूँ इसका कैसा है, ये देखिए। इसका वाइट कलर का ये डब्बा है, इसका कंटेनर वाइट कलर का है, इसमें येलो कलर से लिखा हुआ है ब्लैक और येलो में। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, चलिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। आपको अगर अपने फेस पे, हैंड पे, दोनों पे अप्लाई करना है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। अभी तो सिर्फ मैं दिखाऊँगी आपको डेमो इसका। देखिए, आपको ये थोड़ा सा ही लेना है। मैं इसको अप्लाई कर चुकी हूँ 2 बार, तो इसीलिए मैं सोची कि आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा है गाइस, इसको लीजिए, अप्लाई कीजिए, और फिर इसका जो भी है वो है रिव्यू, वो मेरे साथ शेयर कीजिए। बहुत लोग ब्लीच सोचते हैं कौन सा लगाऊं, इसलिए मैं ब्लीच लेके आई हूँ। और हाँ, जितना भी मैं वीडियो शेयर की हूँ, अगर उसमें से एक भी आप किए हुए हैं, होम रेमडीज अपनाए हैं, या फिर कॉस्मेटिक कुछ भी लिए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया कीजिए। आपका कमेंट देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे फिर अच्छा सा फील होता है, कि और भी एनर्जी मिलती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए कितना अच्छा वीडियो बनाऊँ, कितना अच्छा अच्छा क्रीम लेके आऊँ, ताकि उनके फेस को ग्लो बना सके और एक अच्छा सा स्किन दे सके। तो देखिए, ये ब्लीच पाउडर है गाइस, ये ब्लीच का क्रीम है, और ये पाउडर है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्लीच जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एसिड होता है, वो आपके फेस को जला भी सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो गोरे बनने के लिए ढेर सारा ब्लीच ले लेंगे और अपने फेस पे क्रीम में मिक्स करके अप्लाई कर लेंगे, पर आपको एकदम थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपके फेस के अकॉर्डिंग लेना है। जितना आप क्रीम लिए हैं उसका थोड़ा सा ही, हाफ से भी कम ब्लीच का पाउडर लीजिए, क्योंकि ब्लीच ज़्यादा रहेगा तो आपके फेस पर कट कर देगा, एलर्जी कर देगा, रेडनेस पैदा करेगा आपके फेस पे। तो आप अपने फेस को बचाइए, क्योंकि आपका फेस ही तो आपका सब कुछ है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है। आप ब्लीच लगाने के बाद इसको 15 मिनट आपको छोड़ना है, फिर दोबारा से जब इसको धुलना है या पोछना है ब्लीच को, एक गीला टॉवल ले लीजिए, उसको गीला एक टॉवल ले लीजिए, उसको गीला कर लीजिए और उसके बाद उससे ये ब्लीच अपना हटाइए, ऐसे रगड़ के मत हटाइएगा। और सबसे बड़ी बात, ब्लीच हटाने से पहले उसको एक बार और मिक्स कर दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स करके 1 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप अपना ब्लीच, बीच बीच में 2 बार ब्लीच अपना मिक्स कर दीजिए। जैसे देखते नहीं है बीच बीच में फूल आता है ब्लीच लगाने के बाद, हल्का हल्का बाहर निकल आता है, तो उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तब वो अच्छा सा और फेयरनेस देगा। तो उस अच्छे से मिक्स कीजिए गाइस। और देखिए मैं अप्लाई कर ली हूँ और मैं 15 मिनट इसको रखूँगी, फिर 15 मिनट बाद जो है आपको मेरा दिखेगा कि मैं कैसे इसको हटाती हूँ। चलिए मैं तब तक आपको बताती हूँ इसमें लिखा क्या है। हाँ गाइज, इसमें एक बात, ब्लीच में बहुत ज़रूरी बात लिखी रहती है, कोई ध्यान नहीं देता है। इसमें लिखा है कि आप ब्लीच करने के बाद 5 घंटे तक कोई भी फेस वाश या फिर साबुन सोप ये सब अप्लाई नहीं कीजिए अपने फेस पे। अगर आप ये सब अप्लाई करेंगे तो ब्लीच का कोई भी असर नहीं होगा फेस पे, वो जो क्लीन करेगा, ग्लोइंग देगा या फिर फेयरनेस करेगा, वो सब हट जाएगा। तो इसलिए आप 5 घंटे तक ब्लीच लगाने के बाद अपने फेस पे कुछ भी मत अप्लाई कीजिए, उसका रिएक्शन भी हो सकता है, एलर्जी बढ़ सकता है आपके फेस पे, एलर्जी हो जाएगा। इसलिए ब्लीच लगाने के बाद आप 5 घंटे तक इंतज़ार कीजिए, 5 घंटे के बाद आप फेस वाश कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्लीच लगाने के बाद तुरंत आधे घंटे के बाद ब्लीच छोड़े, फिर उस पर 1 घंटे बाद गए तुरंत साबुन या फेस वाश लगा लिए। इसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको 5-6 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं, सोप या फिर ये फेस वाश नहीं यूज़ करना है गाइस। और इसको जो है अपने आँखों के पास आपके ब्लीच नहीं लगना चाहिए, जो इस ये एरिया है इसके नीचे ही आप लगाइए, आँख के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर जलने लगेगा और आपके आँख को थोड़ा सा दिक्कत पहुँचाएगा। इसलिए आप अपने फेस को अच्छे से करिए लेकिन अपने आइज को बचा के। देखिए 15 मिनट हो जाए, गाइस 15 मिनट हो चुका है, अब इसको मैं हटाऊंगी। 15 से 20 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको हटाऊंगी। देखिए मैंने एक टॉवल ले लिया, उसको गीला कर लिया, उसी से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। एक बार और आपके सामने कर देती हूँ, देखिए अब इसको मैं फर्क देखिए कितना ज़्यादा है इसमें और इसमें। ये वाले हैंड में मैं ब्लीच की थी, इसमें नहीं की थी, देखिए। देखिए कितना शाइन कर रहा है इसमें, देखिए ये दूर से देखिए और ये पास से कितना अच्छा ग्लो दे रहा है गाइस। अगर आपको फेशियल करने का टाइम नहीं है, आपको कोई होम रेमिडीज़ अप्लाई करने का टाइम नहीं है, तो आप ब्लीच लीजिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं ब्लीच का वीडियो क्यों बनाई हूँ, मैं इसीलिए बनाई हूँ कि आप ब्लीच लीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। जिसको तुरंत फेयर चाहिए, गोरा स्किन चाहिए, वो ब्लीच ले और तुरंत अप्लाई करे, फिर आपको अपने आप पता चलेगा कितना अच्छा आपका फेस एकदम ग्लोइंग और एक टोन क्लीन करता है और आपको गोरा बनाता है। ब्लीच आपको फेयरनेस देगा, आपके फेस को गोरा बनाएगा। तो ये ब्लीच लीजिए, गोल्ड केयर शाइन का गोल्ड ब्लीच, और आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। और अगर आपको मेरा ये गोल्ड ब्लीच पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिव्यू शेयर कीजिए। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए न्यू वीडियो लाने वाली हूँ और वो इसी से रिलेटेड होगा, ब्लीच के बाद से ही कुछ रिलेटेड होगा। तो और प्लीज़ मेरा जो है साथ दीजिए, आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। मैं आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे तभी मैं बढ़ूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।